अपने इस गंदे से दिखने वाले रूम को एक फ्यूचरिस्टिक साइबरपंक स्टाइल के यूट्यूब गेमिंग सेटअप में बदलने जा रहा हूँ, तो आप लोगों को भी देख के बड़ा ही मजा आने वाला है। पर ये वाला रूम नहीं, ये वाला रूम, यही जिसमें बहुत सारा सामान भरा हुआ है, पता नहीं मैं ठीक कैसे करूंगा, इसमें बहुत ही सारा सामान है और ये वाला रूम उसमें हाँ। पर ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाला है क्योंकि आप लोग को देख ही सकते हो कि ये लोग कितना ज्यादा पैसा खर्च करते हैं अपने इन सेटअप पर, जो कुछ टेक्निकल इश्यू होने के कारण मेरे पास तो अभी नहीं है, लेकिन इस वीडियो में मैं इनके आधे से आधे बजट में भी इनके लेवल का सेटअप बना कर दिखाऊंगा, जो देख कर आप लोग भी बोलोगे। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो मेरा नाम है AKS और आप देख रहे हैं AKS आर्टिस्ट। कम पैसे में यूट्यूब सेटअप पॉसिबिलिटी नहीं है, चैलेंज लगा दे भाई। चाह बेटे चैलेंज, और वो भी मुझे। बेटा अब देखियो। ओके, तो इस वीडियो पे हमारे पास बजट तो बहुत ही कम है, जो कि आप लोगों को आगे वीडियो में पता लग ही जाएगा क्योंकि आधे से ज्यादा तो इस वीडियो को बनाने में खर्च हो गया। तो सबसे पहले हमें सामान ऑर्डर करना पड़ेगा, उसके बाद उसको अनबॉक्स करना पड़ेगा, उसके बाद हमें रूम को साफ भी करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वो जो सामान हमने ऑर्डर करा है वो कहाँ कहाँ पर लग सकता है। वैसे तो मैंने सब कुछ प्लान ही करके रखा है, लेकिन बोलते ना प्लान के मुताबिक कुछ भी नहीं जाता, तो बहुत से कुछ करना है और टाइम बहुत ही कम है, तो फटाफट पहले ऑर्डर करते हैं उसके बाद बाकी का सामान। तो सबसे पहले हम ऑर्डर करेंगे RGB लाइट स्ट्रिप्स वाले, बड़ा वाला भाई साहब। हाँ ये सही है, हाँ 20 मीटर इनफ होगा इस रूम के लिए। इसके बाद रिव्यूज चेक कर लेते हैं भाई। इसके बाद हमें एक सीलिंग के लिए लाइट लेना है। मैंने कुछ सर्च करा था तो कुछ रोप लाइट नाम से आ रहा था, रोप लाइट में जो LED स्ट्रिप्स की जो लाइनें दिखती है ना, रोप लाइट में वो नहीं दिखती, रोप लाइट में बिल्कुल एकदम क्लीन स्मूथ लाइंस होती है, तो दिखने में ज्यादा बढ़िया लगती है। तो चलो फिर फटाफट पहले रोप लाइट बाय कर लेते हैं, मैंने पहले से ही सेव करके रखा था तो पहले मैं वही ऑर्डर करूंगा। ये पर्पल कलर का रोप लाइट दिखने में बहुत ही कूल लगेगा ऊपर जब मैं लगाऊंगा, पर मुझे परफेक्टली पता नहीं कि कितना मीटर है ऊपर का, लेकिन चलो तो मंगा लेते हैं फिर बाद में देख लेंगे कितना मीटर का होगा। 16 फीट का है, 4 से 5, हाँ हो जाए। ये वाला भी एक्वायर करेंगे, उसके बाद और क्या, हाँ एक प्रैक्टिकल लाइट लेंगे हम लोग, हाँ ये चीज़, हाँ यही वाला चीज़, हाँ ये दिखने में बहुत ही कूल लगेगा, कुछ डायमंड टाइप का दिखेगा भाई, बहुत ही तगड़ा दिखने वाला है ये भी ऐड टू कार्ट। और एक मैंने किसी के वीडियो में देखा था, वो कुछ अजीब सा प्रोजेक्शन टाइप का लाइट होता है जो पीछे प्रोजेक्ट करता है, वो भी बढ़िया रहे सेटअप के लिए। बेटा आज तो भाई ये सेटअप एकदम फ्यूचरिस्टिक साइबर पंक में बना के दिखा, वो था RGB प्रोजेक्टर लाइट, ये वाला बढ़िया है पर ये थोड़ा महंगा है, तो ये वाला भी ऑर्डर करेंगे, पर इसका मेरे पास सस्ता जुगाड़ भी है। गाइस हम इंडियंस है, हमारे पास सस्ता जुगाड़ तो होता ही है। ये सनसेट लैंप, हाँ ये बैकग्राउंड में मैंने पेंटिंग ड्रॉ करा है ना, उसके पीछे जब मैं दूंगा भाई पूरा रूम का एम्बियंस बदलने वाला है ये। तो गाइस आगे वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है, बस हम बस देखते रहो। एड टू कार्ट लेजर लाइट, हाँ ये चीज तो ये भाई जब मैं ऊपर जब सीलिंग में डालूंगा ना, ऊपर तो वैसे RGB तो लगाऊंगा है, लेकिन उसको और भी एनहांस करने के लिए ये वाला जो लाइट होगा ना भाई साहब, कदर दिखेगा रूम ही हो एसी बनाने वाला, बस लगना चाहिए कि हाँ भाई AKS का रूम हो गया। और बाकी मैंने गेमिंग पीसी और RGB माउस और कीबोर्ड तो पहले से मंगा के रखा है, तो मैं पहले से यूज कर रहा हूँ, वो तो आप लोगों को आगे दिख ही जाएगा। और हाँ पक लाइट्स, पता नहीं क्यों है इसका नाम पक लाइट, इसको नॉर्मल लाइट ही बोलते हैं, ये काइंड ऑफ बैटरी ऑपरेटेड होते हैं, बस चार्ज करना होता है या इनमें सेल डालना होता है, बाकी अपने आप ही चलते हैं, वो मैंने इस ऐप से नहीं बाय करा था। पर आपको जितने भी चीज मैंने अभी ऑर्डर करे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, वहाँ पे जाके आप ऑर्डर कर सकते हो। मुझे थैंक यू बाद में बोल। तो मैंने ऑर्डर तो कर दिया है, बट इसको आने में तो भी बहुत टाइम लगेगा, तो अभी भी हमारे पास बहुत सारा काम है, तो पहले फटाफट रूम साफ करना शुरू करते हैं चलो। तो गाइस सबसे पहले हमें इस गंदे से दिखने वाले रूम को साफ करना पड़ेगा, तो चलो फिर साफ करते हैं। लेकिन उससे भी पहले मुझे अपने ये गेटअप चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि रूम साफ करते करते कपड़े भी बहुत गंदे होंगे, तो इसलिए ओके ड्रेस मैंने चेंज कर लिया है, और ये अगर ड्रेस ज्यादा गंदा भी हो जाए तो कुछ ज्यादा फर्क पड़ने नहीं वाला, तो चलो फटाफट क्लीन करते हैं पहले। और हाँ गाइस ये सबसे पहले हटाना पड़ेगा, इसने बहुत परेशान करे हमें। इसमें बम रखा हुआ है, ये सुतली बम बहुत जोर से फटते हैं, और मेरे बहुत सारे बम। ये मेरा स्मोकर मशीन है, लगभग खाली हो ही गया है, अब बस हमें अपना ये वाला टेबल साफ।
ओके गाइस, रूम साफ हो गया है और मेरा टेबल भी साफ हो गया है, अब बस ऑर्डर्स अपने आने के इंतजार है। जब ऑर्डर्स आ जाएंगे फिर देखते हैं क्या होता है आगे। ऑल राइट गाइस, सारे सामान इसी में है और जितने भी सामान हमने ऑर्डर करे थे सभी आ चुके हैं। पर गाइस आप लोग सोच भी नहीं सकते कि इन सब चीजों को आने में कितना टाइम लगा होगा। पर छोड़ो ये सब बातें, चलो फटाफट इसको लगाते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम यूज करेंगे ये वाला लाइट। भाई साहब कितना भारी था। गलती से गिर गया, मे बी टूटा ना हो, पता नहीं क्यों, अगर टूट फूट गया नुकसान हो जाएगा बहुत बड़ा। तो कहाँ पे थे हम? हाँ, ये है एक RGB LED लाइट। भाई भारी है बहुत ज्यादा। तो ये हम लगाने वाले इस जगह पे, आप लोगों को पता लग जाएगा जब मैं एक डायग्राम दिखाऊंगा कि ये लाइट कैसे लगाना है। पर यहाँ पे सबसे चैलेंजिंग बात है वायर मैनेजमेंट। वायर मैनेजमेंट मैंने आज तक कभी करा नहीं है और ना ही वो करना आता, और मैं इस चीज में बिल्कुल ही फुल हूँ। मुझे वायर मैनेजमेंट आता ही नहीं है कैसे करते हैं। तो चलो छोड़ो, ट्राई करते हैं, हर एक चीज पहली बार कर रहे हैं, ट्राई करके देखते हैं एक बारी। तो चलो फिर। भाई साहब काफी भारी है इसलिए वो सब कुछ गिर गया था। चलो फिर फटाफट इसको लगाते हैं। तो यार सबसे पहला दिक्कत तो ये है यार, ये चीज दिखना नहीं चाहिए सेटअप, ये वाला चीज अगर दिखेगा तो अजीब सा लगेगा, पता नहीं क्या करना है। पर गाइस ये पहले मॉनिटर निकालना पड़ेगा ताकि हम इन सब जगह पे लगा पाए। तो चलो मैं मॉनिटर निकालते हैं, इसको पहले रख देते हैं बाहर। हाँ अब खाली लग रहा है, अब यहाँ पे लगाते हैं। अच्छा गाइस एक प्रॉब्लम आ गई है कि ये चीज लग ही नहीं रहा, बहुत ही ज्यादा मोटे हैं, फोल्ड ही नहीं हो रहा ये। अगर फोल्ड ही नहीं हो रहा फिर मैं ऐसे जगह पे लगाऊंगा कैसे इन सब जगह पे? मुझे लग रहा है कि ये इस जगह पे तो मैं लगा नहीं पाऊंगा। तो चलो फिर ऊपर की तरफ लगा के देखते हैं। ऊपर अगर सीलिंग पे लग जाता है तो ठीक, नहीं तो फिर मुझे दोबारा एक नया ऑर्डर करना पड़ेगा। अगर नहीं लगा तो यार पैसे बर्बाद हो जाएंगे। चलो फिर लगाते हैं ऊपर की तरफ। काम कर रही है, लग रहा हो जाएगा। अगर हो गया तो फिर मेरे पैसे बचेंगे, साफ से साफ लगाते हैं, देखते बताएंगे। बहुत कम में ही हो जाएगा पर ये तो भाई सारा ही लग रहा है। चलो अच्छा है, मेरा पैसे ही बच जाएंगे। छोटा पड़ जाएगा लग रहा है यार, छोटा पड़ गया तो फिर अलग ही दिखने में लगेगा। इतना ही लगेगा और लगेगा ही नहीं। हाँ ठीक लगेगा पर हमें रेडियो पे एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा फालतू फालतू वेस्ट में। All right guys, तो मैंने ये सारे लाइट्स तो लगा दिए हैं इस चीज की हेल्प से, इसको मेरे ख्याल से कुछ क्लिप्स बोलते हैं, इस क्लिप्स के हेल्प से तो मैंने लगा दिया है। बिकॉज जो डबल साइडेड टेप थे उससे लग ही नहीं रहा था, क्योंकि डबल साइड टेप में इतना ज्यादा क्या बोलू गोंद था ही नहीं, इसलिए मेरे को ये दोबारा खरीद कर आके लगाना पड़ा। इस चीज से लग तो गया पर अब बस हमें ये इसकी वायरिंग करनी। पर ये इतना दूर जाएगा कैसे? अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। यहाँ से पूरा घूम गया, घूम के लग गया हर एक तरफ, यहाँ पे लगेगा ही नहीं यार, इससे छोटा पड़ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर भी इसको खोल के लगाऊं पर ये तो यहाँ पे जाएगा ही नहीं। और ये यार ये तो ये अलग ही चीज है, बोर्ड तो यहाँ पे है मेरा। गाइस अब तो मेरा फोन तो कट गया, इतना मेहनत करा, अब मेरे को तो क्यों लग रहा है कि यार ये लगेगा ही नहीं, अब क्या करे। अच्छा तो गाइस बहुत ज्यादा दिमाग पर जोर देने के बाद मैंने एक आइडिया निकाला है कि अगर हम इस चीज को काट के, ये प्लग काट के, मे बी इसमें दो ही वायर्स होते हैं, तो इतना तो साइंस यार पढ़ा था कि इसमें दो ही वायर होते हैं, अगर दो वायर को जोड़ के अगर हम यहाँ से लेके जाके इस बल्ब वाले इसके साथ अगर फिट करके एक बार ट्राई करके देखे, अगर हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया, अगर नहीं होता तो फिर कोई दूसरा तरीका देखना पड़ेगा। लेकिन पहले ट्राई करते हैं।
ओके गाइस, इसके दो पॉइंट तो निकल गए हैं। अब हमें बस इसको यहाँ से वायर खींच के बस इसके साथ कनेक्ट करके एक बार देखना है। अगर ये जल जाता है तो सक्सेसफुल, अगर नहीं जलता तो मुझे वायरिंग का काम आता ही नहीं। मैं अच्छा इलेक्ट्रिशियन, वैसे तो मैं इलेक्ट्रिशियन ही नहीं हूँ लेकिन मुझे कुछ कुछ काम तो आता है। मैंने पहले भी करा, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार कर रहा हूँ, इससे पहले भी मैंने बहुत बार कर रखा है क्योंकि मैं अपने पापा से सीखा, मेरे पापा इन सब काम में माहिर हैं। ओके गाइस, अब मैंने कनेक्शन तो कर दिया है, अब है आखिरी टेस्ट कि ये होता है नहीं होता। अगर नहीं होता तो पूरा फ्यूज ही उड़ जाएगा, अगर हो जाता है तो जलने लग जाएगा। देखते हैं क्या होता है, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है, मैं पहली बार कर रहा हूँ, पता नहीं क्या होगा, चलो देखते हैं। गाइस सक्सेसफुल, सक्सेसफुल इसका मतलब मैं एक अच्छा इलेक्ट्रिशियन हूँ। चलो फिर अपना फिर ये कनेक्शन करते हैं और अच्छे से फिर लगा के फिर मैं दिखाता हूँ कैसा लगता है ये। ओके गाइस, बहुत कुछ झोल झाल करके मैंने कनेक्शन कर दिया है और आप आ रही है टेस्टिंग। 3, 2, 1 गाइस चल रहा है। यस, मैंने कहा था ना, अगर आपको अगर अपने घर पे भी कराना है तो मुझे बुला देना, और हाँ प्रिकॉशन लेके कि अगर कुछ गड़बड़ी हो जाए तो मेरी जिम्मेवारी। बाकी आप देख ही सकते हो पहला लाइट हमारा सक्सेसफुली जल चुका है, अब आ रही है दूसरे लाइट। हमें बस अब ये वाला एलईडी लाइट लगाना है, इसको कुछ आई थिंक सो रोप लाइट कहते हैं, जो उसको लगाते हैं आपको दिखाते हैं। ओके गाइस, तो प्लान ये है कि मैं इसको यहाँ से लगाना स्टार्ट करूंगा, फिर लगा के फिर उसको ऐसा करके छोड़ देंगे। फिलहाल तो मुझे यही समझ आया, अभी लगाते हैं उसके बाद देखते हैं कि कैसे क्या होता है, क्योंकि जो सोचते हैं वो कभी। ठीक है, ओके गाइस, तो ये डबल साइड टेप से पहले लगाने की कोशिश करते हैं, अगर लग जाता है तो ठीक, नहीं तो फिर दोबारा उस क्लिप से लगाना पड़ेगा जो क्लिप हमने यहाँ पर यूज किया। चलो फिर लगाते हैं पहले। लो अब ये तो सांप की तरह नीचे आ रहे हैं, अब मुझे क्यों लग रहा है ये भी नहीं जीतते हैं। देखो दोबारा धीरे धीरे सांप की तरह नीचे आ रहे हैं। आजा टॉमी, ये तो लग ही नहीं रहा, लगाते रहते हैं, अगर लग जाता तो ठीक, नहीं तो वाह। दोबारा ये क्लिप्स खरीद के लेके आने पड़े ताकि ये अच्छे से लग जाए, तो मैंने फिलहाल 3-4 तो लगा दिए हैं, इसके कारण अच्छे से लग गया है, तो हमें फिर बाकी आगे ये क्लिप्स लगाने पड़ेंगे। चलो फिर लगाते हैं। Someone like you, I want you to know me, 'cause I know then you'll see, we can be true, we can be true. I want you to see what I see in eyes, something so real. All right guys, तो हमने ये लाइट लगा दिया है, पर मैं आप लोगों को भी जला के नहीं दिखा सकता क्योंकि आप खुद ही देख लो, क्योंकि ये पता नहीं अचानक से जल्दी जल्दी इसका सर्किट उड़ गया, जिसके कारण मुझे दोबारा कुछ अलग से ऑर्डर करना पड़ेगा इसके लिए, कुछ आई थिंक जो एसी टू डीसी कन्वर्टर है पहले देखो वो ऑर्डर करना पड़ेगा, तभी जाके मैं इसको ठीक कर दिया। यार मतलब एक के बाद एक काम बढ़ते ही जाना है और टाइम हमारे पास बहुत ही कम है, पर पता नहीं हर एक चीज में इतना ज्यादा टाइम लग रहा है, और जिसके चलते दोबारा काम बढ़ा दिया। तो दूसरा वाला लाइट लगाते हैं जो यहाँ पे लगाएंगे हम लाइट, तो चलो फिर लाइट लेके आते हैं। तो हमें बेसिकली इसको इस तरीके से लगाना है, पहले हम यहाँ से लगा के फिर अंदर की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ, फिर नीचे की तरफ से फिर दोबारा ऊपर की तरफ जाएंगे। तो चलो फिर लगाते हैं। तो गाइस इसको पहले अभी इग्नोर करना है क्योंकि यहाँ पे वायर मैनेजमेंट अभी मैंने कुछ किया नहीं है, पहले मैं लाइट्स लगा दूँ उसके बाद हम वायर अच्छे से तो तसल्ली से वायर मैनेजमेंट करेंगे। वैसे तो वायर मैनेजमेंट वगैरह मैं बहुत ही बेकार हूँ, क्योंकि देखो आप देख ही सकते हैं अभी क्या हाल हो गया वायर मैनेजमेंट का। ये मेरा पीसी है जो मैंने फिलहाल ही लिया था, अभी तो ये बंद है, पर आप यहाँ का वायर मैनेजमेंट अभी कुछ देर के लिए अभी यहाँ का वायर मैनेजमेंट इग्नोर करो, मैं ठीक कर दूंगा, पहले हम लाइट लगाएंगे। कितना है इसमें, अरे तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। हाँ हाँ जाके रुक, पता नहीं ये पूरा दिन गाइस गाइस कैसे बोलते रहते हैं।
ओके गाइस, तो सारे लाइट लग चुके हैं और अब बारी है जो मैं कुछ सजाने के लिए सामान लाया था वो मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। जो कि इस तरीके का जलते हैं, कुछ ये दिखने में अच्छे लगेंगे, इनको मैं प्लेस करूंगा कुछ इस जगह पे, यहाँ पे, वो आपको अभी बाद में दिख जाएगा। और ये भी कुछ फूल आप जैसे फूलों के, चलो इनको लगाते हैं। तो ये समझ नहीं आ रहा ये कहाँ पे लगाऊं यार, समझ नहीं आ रहा यार। एक को यहाँ पे लगाते हैं और इसको ऊपर लगा देते हैं। ये नहीं यार, गंदा लग रहा है। अभी फिलहाल के लिए इसको यहीं पे रखते हैं और दूसरे वाले को तो नहीं भाई, तो यहाँ पे रहे, टूट मत जाइए। इसको अब लगा के लिए यहाँ पे रखते हैं और एक इसको यहाँ पे रखते हैं, इसको यहाँ पे रखते हैं। तो फिलहाल के लिए तो अच्छा लग रहा है ये। और ये है कि लेजर टाइप का कुछ स्टार्स मंगाया था, आई थिंक सो वो ये है, देखते हैं क्या चीज़ है ये। एक खुल जा भाई, इसको USB पोर्ट के साथ लगाना पड़ेगा। ओ भाई तो बहुत ही मस्त लग रहा भाई, जस्ट लुकिंग लाइक ज्यादा ही हो गया। और गाइस अब आ रही है मेरा सबसे फेवरेट RGB लैंप का। चलो तो सबसे पहले है रिमोट, फिर है USB चार्जिंग के लिए और आता है लाइट। तो गाइस अभी अभी ये पैकेज रिसीव हुआ है क्योंकि अभी अभी अमेज़न डिलीवरी ये पैकेज देने आया था, ये वाला सबसे लेट आया है। और ये कुछ आई थिंक सो प्रैक्टिकल लैंप है जो हमने मंगाया था, तो इसको पहले अनबॉक्स करते हैं। भाई साहब पैकेजिंग मतलब कदर। हाँ इसको बोलते हैं सनसेट लैम्प, फालतू की चीजें। आराम से लैम्प गिर जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। एक लैम्प है, ये एक स्टैंड है। गाइस सबसे बड़ा बिस्किट तो ये वाला ही लैम्प है। ऑल राइट गाइस, तो सब कुछ लगा दिया मैंने और अब बारी है सिर्फ। नाउ इट्स टाइम फॉर फाइनल सोटिंग। Alright guys, I hope आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और देखकर मजा आया होगा। ये मेरा न्यू gaming/YouTube सेटअप देखकर, जो कि मैंने बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम बजट में बनाया है। अगर आप लोगों को ये सेटअप अच्छा लगा हो तो आप नीचे जाके एक प्यारा सा लाइक ठोक डालो और कमेंट्स में बताना कि आप मेरे इस सेटअप को 10 में से कितना रेटिंग देना चाहोगे। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो भाई किस चीज के लिए वेट कर रहे हो, एक हथौड़ा लो और उसको सब्सक्राइब के बटन में ऐसे ऐसे सब्सक्राइब के बटन को ठोक डालो। बस अपना फोन मत छोड़ो, जाओ जल्दी कर दो जिसने अब तक नहीं किया। बाकी मैं आप लोगों से मिलूंगा अपने एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, और तब तक के लिए सायोनारा।